तीसरे कौमांतरी योग दिहाड़े दे वक्ख वक्ख थावां ते लोक योग उत्सव च बड़े उत्साह दे नाल हिस्सा लै रहे ने। इह पंज वक्ख वक्खरियां तस्वीरां उस वनगी दियां ने जिथे कि लोगों ने योग दे विच हिस्सा लेके जिहड़ा कि तीसरा कौमांतरी योग जिहड़ा कि दिहाड़ा मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर तुसीं देख रहे हो कि लखनऊ दे विच जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। तस्वीर है अमृतसर दी गुरु नगरी दी जिथे कि डॉक्टर हर्षवर्धन ते करनाल दे विच सीएम मनोहर लाल खट्टर जिहड़े कि करनाल दे विच इस वेले लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीर उत्थों ही तुसीं देख सकते हो। और अहमदाबाद दे विच भाजपा प्रधान अमित शाह बाबा रामदेव होरां नाल जिहड़े कि मौजूद रहे गुरु जिहड़े कि योग गुरु ने। और तस्वीर चंडीगढ़ की राजधानी की जे पी नड्डा उत्थे लोग जिहड़े कि पहुँचे है योग करन दे लई। चंडीगढ़ दे विच जे पी नड्डा जिहड़े कि योग करते हुए नज़र आए। ये पंज तस्वीरां जिहड़े कि वक्खो वक्खरियां थावां ते ने, लखनऊ है, अहमदाबाद है, अमृतसर, चंडीगढ़, करनाल, पंजाब, हरियाणा, लखनऊ, अहमदाबाद, चंडीगढ़, ये तस्वीर जिहड़ियां कि साडे दर्शक इस वेले टीवी स्क्रीन ते देख रहे ने। दुनिया का भारत को जिहड़ा कि योग नमस्कार किया जा रहा है। दो तस्वीर देख रहे हो, एक पासे न्यूयॉर्क जिहड़ा कि योगा किया जा रहा है, दूसरे पासे चीन की दीवार से योग हो रहा है। एक वड्डी गल है, एक वड्डी मिसाल कायम की है जो कि भारत ने 3 साल पहला जिहड़ी कि सुपना जिहड़ा लिया सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वह बहुत ही वधिया रूप दे विच वड्डे रूप दे विच पूरा हुंदा दिख रहा है। एक पासे तस्वीर है न्यूयॉर्क की, दूजे पासे चीन की। चीन की कंध जिहड़ी कि पूरी दुनिया के जानी जाती है, चीन की कंध के उत्ते योगा किया जा रहा है। तुसी देख सकते हो कि योग का कितना उत्साह जिहड़ा कि लोगों के इस वेले देखने को मिल रहा है। लोगों ने पूरी दुनिया के भारत तो बिना होर वक्खो वक्खरे सैकड़े मुल्कों के लगभग 150 तो वध मुल्कों के जिहड़ा कि योग को अपनाया, योग को किया। और लोगों का मानना है कि योग को अपनी जिंदगी दे विच लिया के जिंदगी नू जिहड़ी कि तंदुरुस्त बनाया जा सकता है। सो ये गल योग दी ते हुण गल करदे आं पंजाब दी। पंजाब दे जिहड़े बजट की गल की है, कैप्टन सरकार ने अपना जिहड़ा कि पलेठा बजट पेश कर दिता है। इस पहले बजट के जरिए सरकार वालों अपने वालों किए चोण वादियां नूं अमल च लियाउण की पूरी कोशिश की गई है। तो खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का दावा है कि बजट के विच हर वर्ग का जिहड़ा कि ख्याल रखा गया है। पंजाब की कैप्टन सरकार ने साल 2017-18 के लिए वित्तीय बजट पेश कर दिता है। सूबे के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने साल 2017-18 के लिए 1,18,237 करोड़ का बजट पेश कर दिता है। साल 2017-18 के लिए पेश किए गए बजट में 10,580.99 करोड़ रुपए खेतीबाड़ी खेतर लिए रखे गए हैं। इस 1,500 करोड़ रुपए किसान कर्ज माफी के लिए नहीं, समाजिक सुरक्षा के लिए 3,604.65 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी लिए माली मदद 26 करोड़ रुपए तो वधा के 33 करोड़ रुपए की गई है। पिछड़े खेतरां च 5 नवे डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सेहत खेतर के लिए 1,352 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने अपने बजट नूं पंजाब दी 99% जनता नूं समर्पित करार देंदे हुए ऐलान किया कि अगले 3 वर्यां च कर्ज विच डुबे पंजाब नूं रेवन्यू सरप्लस स्टेट बनाया जाएगा। इस तरह मैं क्या कि माय बजट प्रपोजल्स आर फॉर द 99% पीपल ऑफ पंजाब, 99% लोकां नूं समर्पित है। अगले 3 सालां दे विच असी पंजाब नूं रेवेन्यू डेफिसिट तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाउण दी हैसियत रखदे हैं जे मेरे रब नूं मंजूर होया। बजट विच बुढ़ापा पेंशन नूं 500 रुपए प्रति महीने तो वधा के 750 रुपए प्रति महीना किया गया। लोकल बॉडीज विभाग के बजट नूं दुगना किया गया। आशीर्वाद स्कीम के तहत मिलने वाली राशि नूं 15,000 रुपए तो वधा के 21,000 रुपए किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट का जिहड़ा बजट है वो डबल कर दिता गया है। वाटर सप्लाई ते सैनिटेशन जिहड़े डिपार्टमेंट है उहदा बजट डबल कर दिता गया है। बजट विच एसिड अटैक नाल पीड़ित औरतां नूं 8,000 रुपए महीने की सहायता का ऐलान किया गया।
नाल ही आजादी कुलाटिया नूं हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री देन दा ऐलान कीता गया। पंजाब विच 70 नवे पुलिस थाने खोलण दा भी बजट रख्या गया है। बॉर्डर एरिया डिवेलपमेंट फंड नूं 300 करोड़ रुपए दा कीता गया। जिक्र खास है कि कैप्टन सरकार दा इह पहला बजट सी। सरकार वालों अपने पहले बजट विच हर वर्ग नूं खुश करन दी कोशिश की गई है। जगतार भुल्लर ते प्रीत भरिंजा, जी मीडिया चंडीगढ़।